हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ अंडा करी, वो भी कुकर में। तो अब हम सब चलते हैं रेसिपी की ओर। चार अंडे मैंने लिए हैं, इसे अब हम उबाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि अंडे फटे ना। दो मिनट के लिए सिर्फ हम इसे ढकेंगे। हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इस प्लेट को हटा देंगे। अब हम गैस को सीम कर देंगे। सिम गैस पे हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा 5 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम अंडे को इसी में छोड़ देंगे। ये अंडे मैंने छील लिए हैं, अब इसे हम इस तरह चाकू से काट लेंगे। इस तरह काट लेने से तेल में ये उड़ता नहीं। इस तरह काट लेने से तेल में डालने वक्त तेल उड़ता नहीं। अब हम एक कुकर चढ़ाएंगे, इसे अब हम गरम होने देंगे। ये गरम हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। 3 चम्मच मैंने तेल लिया है, अब इसे हम गरम होने देंगे। ये गरम हो चुका है, अब हम गैस को सीम कर देंगे। ये सारे अंडे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम इस तरह बंद सीटी हटा करके इस तरह ऐसे से चला लेंगे। हम 10 सेकेंड इसे रखेंगे। हमारे 10 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। हम फिर से ढक देंगे, इस तरह अंदर चलाते रहें। गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब हम एक बार खोल कर देखेंगे। अब गैस हाई फ्लेम पे ही रहेगा। फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है। अब इसमें हमें ये बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार।
हल्दी एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर डेढ़ चम्मच, सब्जी मसाला एक छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच। ये मिर्च पाउडर मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो बाजार के भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दो मिनट लगने से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये कटे हुए टमाटर डालेंगे, एक मिनट के लिए सिम गैस पर ढक देंगे। हमारा एक मिनट पूरा हो चुका है, अब से हम एक बार चलाएंगे। अब इसमें हम एक कप के लगभग पानी डालेंगे, अब इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम सिम गैस पर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसे अच्छे से चला कर देखेंगे। ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, इसे इस तरह से मैश कर लें। इसे एक बार मिला लेंगे। अब इसमें हम ये अंडे डालेंगे, अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लें। हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है, अब इसे हम खोल कर देखेंगे। ये काफी स्वादिष्ट दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये तैयार हो चुका है, अब इसे आप चावल या रोटी किसी भी साथ खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा।